सबको शायद भरपूर मजा आ रहा होगा और हम कल के भी थके हारे हैं, थोड़े से प्रोग्राम था एक उसके अकॉर्डिंग हुए थे, तो बाकी मैं किसी को ऐड नहीं कर पाऊंगा आज, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, उसके लिए आप माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम है, आज का जो हमारा सेशन है, हम नहीं चाहते कि हम बातचीत में डिस्टर्ब करें या गप गुड़का लगाए। आज हम सिर्फ जो हमारे अभिराम भाई साहब हैं, आप इनको भली भांति सुनते हैं, सुन भी रहे हैं अभी भी, आप अपना जो सॉन्ग होगा वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपके कमेंट को हम रीड करने की कोशिश करेंगे और उस कमेंट के माध्यम से आप तक कोई ना कोई सॉन्ग जरूर सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐड आज हम किसी को भी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिएगा, ताकि हम अपना जो प्रोग्राम है हम बातचीत में ना डिस्टर्ब करें, आपको भरपूर एंजॉय करवा पाए और आप एंटरटेनमेंट कर पाए इस कड़क गर्मी में। तो आप जरूर अपना कमेंट लिखिएगा कि आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं, हम उसी के तहत आपको कुछ ना कुछ सुनाने की कोशिश जो है करते रहेंगे। बाकी अगर आप देसी सिंपल वे में अगर प्रोग्राम करवाना चाहते हैं तो हमारा यही सेटअप है, ढोलकी है, हारमोनियम है और बंसरी है,
इसी तरीके का कल हमारा प्रोग्राम हुआ गुजर गली गूल में, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा, उसकी कुछ वीडियोस आपको आ भी रही होंगी और छोटी छोटी झलक आपको दिखेगी। आप भी कोई प्रोग्राम छोटा मोटा अगर कहीं करवाना चाहेंगे जरूर भाइयों को याद कर दीजिएगा और जरूर हम कोशिश करेंगे उस प्रोग्राम को जो है थोड़ा अपनी तरफ से अच्छा करने की। तो बाकी आप कमेंट करिए और कमेंट्स के माध्यम से हम आपको कुछ ना कुछ सुनाने की कोशिश करते रहेंगे। अब अभिराम भाई साहब कुछ आपको बताने की कृपा करेंगे। जी अभिराम भाई साहब, कम से कम 40-50 लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो कुछ अपनी तरफ से कुछ सुजेशन। हमें कभी मौका ही नहीं मिलता है एक साथ बैठने का, तो जब बैठता है तो फिर जुड़ने वालों की कोई कमी नहीं है। बट तो हम आज काफी दिन के बाद लाइव आए हुए हैं मुंबई भाई की तेज से, तो आप सब जानते हैं, फिलहाल हमें सब तो जानते हैं क्योंकि हम एक साथ ही काम करते हैं। तो किसी भी कोई प्रोग्राम अगर करवाना होगा तो हमारे पास ऐसे भी है, देसी भाषा में जैसे बोलते हैं कि देसी हिसाब करने प्रोग्राम करते हैं। देसी हिसाब करने प्रोग्राम तो बाकी साउंड सिस्टम वगैरह से तो होता है, मगर इसमें क्या है कि जिस देसी प्रोग्राम है इसमें एक नेचुरल फील रहता है, जैसे हम मतलब कि एक चीज को महसूस कर पाते हैं। हमने उन जगहों पे रखा कि जहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड नहीं हो सकता है और जहाँ पे हम कोई मतलब नहीं जा सकते, तो क्योंकि ये छोटा होता है तो ये हम कहीं पे भी ले सकते हैं कंधे पे उठा के। हाँ, तो छोटा सेटअप हम जो है हर जगह अवेलेबल कर लेते हैं, बड़ा सेटअप है तो वो उसके लिए फिर कई सारी चीजें जो है हमको चाहिए होती है, काफी सारी मैनेजमेंट उसके लिए चाहिए होती है। सुरजीत प्रजाई जी भाई, कोई मस्त सॉन्ग हो जाए, जैसे कोई मस्त वो सैलिया भी मोरा वाला हो जाए। Yeah.